Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Manish and in this video we are going to discuss the current affairs of Haryana for the second week of July 2021. So, agar aapne abhi tak channel ko subscribe nahi kiya hai, please subscribe the channel and hit the bell icon taki aapko in sabhi videos ke notifications sabse pehle mile. To dekhte hain is hafte mein Haryana mein kya kuch important hua hai. Pehli aur bahut hi ek revolutionary news I would say. India's first or maiden grain ATM has been installed in Gurugram. तो grain ATM का मतलब क्या है? Grain यानी कि यहाँ पर food grains की बात हो रही है. Food grains. तो food grains ATM का वही मतलब है जो एक cash ATM का होता है. यानी कि आप यहाँ पर पैसों की जगह you will put in your details like biometric and Aadhaar card etc. and you will get your फूड ग्रेन्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो ये इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम है जिसे एज अ पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर सेट किया गया है. ये बिल्कुल एक बैंक एटीएम की तरह काम करता है और इसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंडर सेटअप किया गया है. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत इसे सेटअप किया गया है. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अंडर द यूनाइटेड नेशंस और इस एटीएम को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जा रहा है. मल्टी कमोडिटी बिकॉज इसमें मल्टीपल कमोडिटीज होंगी जो कि डिस्पेंस की जाएंगी जैसे कि राइस, वीट, सीरियल्स एक्सेट्रा. तो हरियाणा के डिप्टी सीएम जो कि दुष्यंत चौटाला जी हैं और वो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो भी होल्ड करते हैं, उन्होंने कहा कि इससे फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसे ठीक करने में बहुत आसानी होगी. ट्रांसपेरेंसी आएगी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्योंकि जो लोग हैं वो सीधा जाकर खुद ही अपने फूड ग्रेन्स को ले सकेंगे, इसमें ह्यूमन एलिमेंट जो है वो काफी कम हो जाएगा. राइट अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सही रहता है तो पूरी स्टेट में इसे इंस्टॉल किया जाएगा एंड हु नोज इफ द सिस्टम कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी एफिशिएंट देन दिस मे बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस इंडिया एज वेल. तो इस ऑटोमेटिक मशीन में बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल्ड है जहां पर जो बेनिफिशियरी है उसको अपनी बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स या फिर आयरिस स्कैन जो है वो एंटर करना पड़ता है अलोंग विद आधार और राशन कार्ड नंबर. उसके बाद ही जो फूड ग्रेन उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे मान लीजिए अगर किसी के राशन कार्ड पे 5 किलो चावल प्रिस्क्राइब्ड है तो जैसे ही वो अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर वहां पर डालेंगे और अपने फिंगरप्रिंट स्कैन वहां पे करेंगे तो जो भी फूड ग्रेन उनके प्रिस्क्राइब्ड हैं वो 5 किलो चावल फॉर एग्जाम्पल, तो वो ऑटोमेटिकली बैग्स में फिल हो जाएंगे जो कि मशीन के अंडर रखे होंगे. तो वहां पर जगह बनी होगी. इट्स जस्ट लाइक अ कॉफी मशीन कि आप नीचे एक मग रखते हैं, यू पुट इन द मनी और उसमें से कॉफी फिल हो जाती है. इट्स जस्ट लाइक दैट. तो तीन तरह के ग्रेन्स अभी स्टार्टिंग के लिए हैं, वीट, राइस और मिलेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, और धीरे धीरे इसको बढ़ाया भी जा सकता है. राइट तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है फूड सिक्योरिटी या फिर जो भी फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितने भी गैप्स हैं उन्हें फिल करने के लिए. इट कैन एक्चुअली रिप्लेस द राशन डिपोज जहां पर वैसे भी थोड़ी बहुत करप्शन के केसेस आते रहते हैं. नेक्स्ट, वुमेन एसएचजीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन रोप्ड इन टू रन कैंटीन्स एंड हेफेड आउटलेट्स. जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उन्हें एज अ प्रेफरेंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैंटीन्स रन करने के लिए दी जाएंगी ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सके और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का भी इससे फायदा हो सके. तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें कैंटीन्स ऑपरेट करने का काम वुमेन एसएचजीज को दिया जाएगा. और ये सारा किस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है? HSRLM, हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन. हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन. राइट, रूरल लाइवलीहुड यानी कि रूरल एरियाज में जो लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है. और अभी के लिए, शुरुआत के लिए इन्हें हैफेड की जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो चलाने की भी परमिशन दे दी गई. एज मैनी एज 10 सच कैंटीन्स एंड 8 हैफेड आउटलेट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय 36 वुमेन ऑफ 18 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. राइट, तो ये ऑलरेडी एज अ स्टार्ट इनको दिया जा चुका है. ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है हरियाणा में और अगर ऐसा हो जाता है तो सभी के सभी कैंटीन जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में हरियाणा में हैं उन सब में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा.
इसका पर्पस है विमेन को सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि वो एम्पावर्ड हो सके, उनका अपना सोर्स ऑफ इनकम होगा तो एम्पावरमेंट होगी उनकी। तो सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सब जगह पर विमेन एसएचजीज को रोप इन किया जाएगा। तो अभी के लिए 4,020 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं स्टेट में, जिसमें कि 40,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज जो है वो आती हैं। ये सिर्फ एक जिले की बात हो रही है। एंड द नंबर ऑफ दीज ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड लोन्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। तो इनको फंडिंग दी जा रही है, इनको प्रेफरेंस दी जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि एक अच्छा एम्पावरमेंट इनके लिए की जा सके। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आगे लाने का। नेक्स्ट, नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। पहली दो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी, बट दिस टाइम खेलो इंडिया गेम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड। तो खेलो इंडिया गेम्स, जो कि 2021 में पंचकुला में खेली जानी थी, अब उसको पोस्टपोन करके फेब्रुअरी 2022 में कर दिया गया है। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो एक गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट कमिटी बिठाई थी रिकमेंडेशंस देने के लिए कि कैसे कोरोना से जो है वो कॉम्बैट किया जाए, तो उसने ये पॉसिबिलिटी जताई है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में थर्ड वेव जो है वो कोविड की आ सकती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग कम कोऑर्डिनेशन कमिटी ने ये डिसाइड किया है कि अब ये गेम्स डिफर कर दी जाएं, अगले साल फरवरी में ये कंडक्ट कराई जाएंगी। और उस कमिटी के चेयरपर्सन थे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। और स्टेट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं संदीप सिंह। तो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर की रिकमेंडेशन के बाद हरियाणा ने अपना ये जो चेंज है किया है, बिकॉज द एम्स डायरेक्टर प्रिडिक्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव ऑफ कोविड इन अक्टूबर नवंबर। तो बाद में चेंजेस हो जिससे कि बहुत सारा नुकसान होता है, उसकी वजह से अभी से ये चेंज कर दिया गया है। पहले गेम्स नवंबर में होनी थी, अब फरवरी में होंगी। और ये कहाँ कहाँ पर होनी है? 5 जगह पर होनी है। इज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन जो इवेंट है वो पंचकुला में होना है, इसके अलावा चंडीगढ़, शाहबाद, अम्बाला और दिल्ली, इन सब जगह पर यूथ गेम्स जो है वो, खेलो इंडिया गेम्स जो है वो कंडक्ट की जाएंगी नाउ इन फेब्रुअरी 2022। नेक्स्ट, हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च हरियाणा सिंगल इमरजेंसी नंबर 112। अगेन अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप। तो जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि यूएस में फॉर एग्जांपल 911 इज द सिंगल इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर फॉर एवरी टाइप ऑफ इमरजेंसी, उसी तरह से हरियाणा में भी इनिशिएटिव शुरू किया गया है जिसका नाम है CSERC, सेंट्रलाइज्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट सिस्टम। तो इसके लिए 112 अगर आप डायल करेंगे तो आपको हर तरह की सर्विस, जो कि इमरजेंसी कंप्लेंट नंबर होते हैं जैसे कि पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ, रोड एक्सीडेंट या किसी भी और तरह की इमरजेंसी जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ इमरजेंसी, किसी के घर में कोई वाइल्ड लाइफ से संबंधित जानवर आ जाता है, कोई सांप आ जाता है, तो अगर आप इन्हें फोन करेंगे देन दे विल रीच एट योर प्लेस विद एक्सपर्ट्स एंड दे विल टेक अवे दैट एनिमल। या फिर जैसे कि यू कैन से वाइल्ड लाइफ इमरजेंसी, या फिर इसके अलावा किसी भी और तरह की इमरजेंसी अगर आती है तो 112 इज अ सिंगल नंबर। इसके अलावा 630 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स को भी इनॉग्रेट किया गया है, क्योंकि जैसे ही ये रिस्पॉन्सेज आएंगे तो उस जगह पर पहुंचने के लिए, चाहे वो फायर हो, पुलिस की जरूरत हो, हेल्थ की, रोड एक्सीडेंट, कुछ भी हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्स व्हीकल बहुत जरूरी है। तो 630 इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल जो है वो पंचकुला में लॉन्च किए गए हैं। एक स्टेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर जो कि कंट्रोल रूम की तरह काम करेगा, जहां पर ये सारे कॉल्स रिसीव किए जाएंगे और आगे डिसेमिनेट किए जाएंगे, वो भी एक पंचकुला में जो है वो खोल दिया गया है, विच विल बी द नर्व सेंटर ऑफ दिस डायल 112 प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा? अभी 100 नंबर जो पुलिस के लिए होता है, 101 जो फायर के लिए होता है, 108 जो एम्बुलेंस के लिए होता है, सब इसमें कवर हो जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं 100, 101 और 108, ये बंद कर दिए जाएंगे, ये भी ऑपरेशनल रहेंगे, लेकिन 112 विल बी अ कॉमन नंबर, जहां से अगर आप फोन करके कोई भी इमरजेंसी बताते हैं तो वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। 300 करोड़ का इसमें बजट लगा है और इसमें मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम जो है 15 से 20 मिनट का जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि 15 से 20 मिनट में रिस्पॉन्स
दे दिया जाएगा किसी भी तरह की इमरजेंसी। ये हाईटेक जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसमें कि इट विल प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द डिस्ट्रेस कॉल्स रिसीव फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट जस्टिफाइंग द इनिशिएटिव्स टैगलाइन जस्ट अ कॉल अवे। तो इसका जो टैगलाइन है दैट इज जस्ट अ कॉल अवे, जिसमें जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, यानी कि जहां से वो कॉल आएगी उसके आसपास जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सबसे पहले अवेलेबल होगा उसे डिस्पैच कर दिया जाएगा। दो व्हीकल पर पुलिस स्टेशन भी अवेलेबल कराए गए हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में उन्हें जाने में दिक्कत ना हो। रिस्पॉन्स लेने के लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो है वो कंट्रोल रूम में बिठाए जाएंगे फॉर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एंड हरियाणवी। चार लैंग्वेजेस जो सबसे ज्यादा हरियाणा में बोली जाती हैं, फर्स्ट हिंदी, सेकंड हरियाणवी, थर्ड पंजाबी एंड फोर्थ इंग्लिश, ताकि कोई भी इंसान जब फोन करे तो उसकी लैंग्वेज समझने में किसी तरह का गैप ना आए। सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा। इसमें 5,000 ट्रेन्ड पर्सनल जो है वो दिन रात काम करेंगे। 630 गाड़ियां इसमें ऐड की गई हैं जैसा कि मैंने बताया, राइट। देन हेल्थ डिपार्टमेंट को फर्स्ट एड बॉक्सेस, स्ट्रेचर्स, क्राइम एक्सट्रिकेशन किट से सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो ये काफी अच्छा एक सिस्टम होने वाला है 112। इसके लिए एक SMS, ईमेल और मोबाइल ऐप तक लॉन्च की गई है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज गवर्नेंस के एस्पेक्ट में, और अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो उसमें आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि दैट हाउ हरियाणा इज इम्प्लीमेंटिंग द सिंगल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये एक न्यूज है, वाटर सेविंग पैडी कल्टीवेशन टेक्निक इज अ बिग हिट विद हरियाणा फार्मर्स। तो जब भी चावल की बिजाई की जाती है उस वक्त पे जनरली जो किसान होते हैं वो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्नोलॉजी में पानी बहुत सेव होता है इन अ बिग वे, और इस बार जो डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR टेक्निक है इसको 40,787 एकड़ ऑफ लैंड जो है उस पर यूज किया जा चुका है, और ये हरियाणा की राइस बेल्ट है जिसमें कि 20,000 एकड़ आते हैं। तो इसमें 14,000 किसानों को एनकरेज किया गया कि वो DSR टेक्निक को अप्लाएं 8 जिलों में जो कि मेन राइस बेल्ट का पार्ट है, और इसके लिए उन्हें कैश इंसेंटिव भी दिया जा रहा है ₹5,000 पर एकड़। बेसिकली DSR टेक्निक यूज करने से बहुत ही कम वाटर कंज्यूम होता है, और कम वाटर कंज्यूम होगा तो लेस इलेक्ट्रिसिटी विल ऑल्सो बी देयर, राइट। बहुत सारे जिले हैं जिन्होंने पैडी कल्टीवेशन में बहुत अच्छा काम किया है, इससे गवर्नमेंट के पानी बचाने के एफर्ट्स में बहुत हेल्प मिलेगी। पिछली को एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हरियाणा के 60% से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में आ चुके हैं एज फार एज ग्राउंड वाटर लेवल इज कंसर्न, यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल हरियाणा के ज्यादातर जिलों में इतना नीचे चला गया है कि वो रेड जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट के पानी बचाने के एफर्ट्स में ये एक बहुत बड़ा काम आएगा। सो इसके अलावा और भी वाटर सेविंग टेक्निक्स यूज की जा सकती है। तो तीन जिले जिन्होंने ये टेक्निक अपनाई है, नंबर 1 इज जींद, नंबर 2 इज हरियाणा, सॉरी करनाल, एंड नंबर 3 इज कैथल। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि हरियाणा में इस वीक हुआ है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।